आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और डॉक्टर मेरे बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? मिस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब ना देख पाएगी, ना सुन पाएगी, ना ही वह बोल पाएगी। नहीं, हिम्मत रखिए मिस केलर, हिम्मत रखिए। हेलेन की शिक्षा उसकी माँ के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सुलेवान। आओ हेलेन, मेरे पास आओ, मैं हूँ सुलेवान, तुम्हारी दोस्त। मैं सुलेवान, आज से हम रोज साथ रहेंगे, साथ में खेलेंगे और बहुत सारे काम साथ में करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आओ इधर आओ मेरे पास, शाबाश। इस तरह एनी सुलेवान ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते पढ़ते हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलेन, आज अपन एक शब्द लिखना सीखेंगे, ठीक है? हेलेन है डॉल जैसी, तो आज हम लिखेंगे डॉल, डी ओ एल एल। हाँ देखो, हाँ डी डी ओ एल एल। यू शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अरे पानी का नल, हाँ अगर मैं एक हाथ से हेलेन के पानी का स्पर्श कराऊं और दूसरे हाथ पे पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा ना, अभी देखते हैं। हाँ यही रुको, अपना हाथ मुझे दो, ये रखो। अब मैं तुम्हारे हाथ पे लिखूंगी पानी, पा नी पा नी पानी। हाँ बोलो, पा नी। बहुत अच्छे। अब तो वो छू छू कर इशारों से चीजों का नाम पूछने लगी। जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह व गले को छूकर बोलना भी सीख गई। यहाँ तक वो संगीत का भी आनंद लेने लगी। हेलो मिस केलर। हाय मिस। अब तो हेलेन बहुत कुछ सीख गई है और संगीत का आनंद भी लेने लगी है, तो क्या आप मेरे और हेलेन के लिए कुछ बजाएंगी? जी जरूर मिस। हेलेन देखो, पियानो, इधर आओ हेलेन। हाँ हेलेन, पियानो, हाँ पियानो, पियानो, नो पियानो। सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को भी पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई। यही नहीं, तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली की विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया। 1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश।
हेलन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेगी। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाएं सभी दरवाजे तो रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। नमस्कार, मैं हूँ शुभी कसीरा। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर मैं सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को साक्षात नमन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।